कार्यक्रम के माध्यम से मन में बहुत सवाल है, बोले उसके नैन, कैसे बातों को लिखे, बेटी है बेचैन, वो ही खपती खेत में, वो ही करती काम, पढ़ने का भी हौसला बेटी इसका नाम, 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 बेटी नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग की समस्या और उसके समाधान पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डीन एवं प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, डॉक्टर एम के श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है रैगिंग की समस्या, तो अभी आज ही के एक प्रतिष्ठित पेपर में कुछ आंकड़े आए हैं और उसमें बताया गया है कि जो रैगिंग की समस्या है उसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। काफ़ी सारी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं और कई बच्चे इस दहशत में कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं और कुछ लोग तो अपना करियर ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये समस्या कैसे पैदा हुई और इसको किस तरह से हल किया जा सकता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं, इसमें हम कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं और कैसे इसको हम सुलझा सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-233-0040। दूसरा नंबर है 07-55-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1-800-233-0040, 07-55-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रैगिंग की जो ये शुरुआत है ये कहाँ से हुई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? रैगिंग एक ऐसा शब्द जिसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं मिलता है हमारी डिक्शनरीज में। जी, 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत पाई जाती है और 1873 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रैगिंग के कारण हुई पहली दुर्घटना जिसका परिणाम डेथ था, वो रिपोर्ट हुई थी। तो रैगिंग एक पश्चिमी देशों में एक ऐसी समस्या के रूप में थी जो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ आई और आज इसका परिणाम हम सब मिलकर के भुगत रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा श्रीवास्तव जी। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं बड़ी हैं और कई सालों से इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, यहाँ तक कि इसने एक हिंसा का रूप ले लिया है, एक एडवेंचर हो गया ये बच्चों के लिए और वो किसी भी हद तक जाने लगे हैं रैगिंग में। तो ये इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे बच्चा सुरक्षित रहे? क्योंकि पेरेंट्स को एक सबसे बड़ा टेंशन आज ये है कि जिस बच्चे को वो बड़े लाड़ प्यार से पालकर पढ़ने के लिए करियर के लिए भेजते हैं और पता चलता है कि रैगिंग में कभी उसने अपना करियर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर लिया, तो कैसे इस समस्या को सुलझाया जा सकता है? चित्रा जी, इस समस्या के प्रति हम लोग गंभीर हुए जी जब काचरू जी के पुत्र हिमाचल प्रदेश में मेडिकल स्टूडेंट और रैगिंग के परिणाम स्वरूप वो उसकी हत्या हुई जिसमें 4 लोग दोषी थे जी। और इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई हुई 2 अलग अलग
चीज़ों में दो अलग अलग केसेस में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देशित किया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपनियमों का पूरा वर्णन किया जो कि भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू हैं। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए गाइडलाइंस और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित उपनियम, इन दोनों का पालन विशेष रूप से हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में एक इच्छा शक्ति के साथ की जाएगी तो निश्चय ही इसमें कमी आएगी और अंततः ये खात्मे की तरफ बढ़ेगा। पिछले दिनों से आपने नोटिस किया होगा जो स्थिति आज रैगिंग की है उससे विभस्त थी आज से 10 साल और 15 साल पहले। तो इन 10-15 सालों में कुछ तो हुआ है जिससे इसकी संख्या में कमी आई है। और जब हम तीनों पक्षकार यानी कि गार्जियंस, स्टूडेंट्स और टीचर्स और एक और कहें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर मिल करके इसका निदान चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका निदान हमें मिलेगा। श्रीवास्तव जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन थी और कुछ विश्वविद्यालय के अपने नियम थे, तो वो किस तरह के नियम हैं और उन पर पालन करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं कि इस समस्या को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका? देखिए, एक चीज़ तो पहले हमें समझना पड़ेगा जी कि हमारे कानूनों में रैगिंग से संबंधित कुछ अपराधों के बारे में पहले से ही प्रावधान है जिसको हम इंडियन पेनल कोड में अलग अलग सेक्शंस में देखते हैं जी। जैसे किसी के विरुद्ध हिंसा का इस्तेमाल करना, उसको चोट पहुंचाना, उसको गंभीर चोट पहुंचाना, उसे अनावश्यक रूप से कहीं रोकना, उसको कहीं पे बंद करके रखना, ये सब आपराधिक कृत्य है जिसके लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान है जी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जी जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसके आधार पर तमाम स्टेट्स ने रैगिंग के ऊपर सीधे कानून ही बना दिया और रैगिंग इटसेल्फ को अपराध घोषित कर दिया। संभवतः आगे के 1-2-4 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश में भी रैगिंग पर सीधा कानून उपलब्ध हो जाएगा या पार्लियामेंट के द्वारा पूरे देश के लिए पारित होने वाला कानून उसके भी आने की संभावना है। तो इनके आने के बाद रैगिंग से जुड़े हुए बाकी चीज़ों जिसमें चोट लगती है, मानसिक और शारीरिक रूप से उस बच्चे को हानि पहुंचती है और उसको एक दहशत में डाल करके उसके सीनियर्स रखने का प्रयास करते हैं, उस पर धीरे धीरे हम नियंत्रण कर सकेंगे जी। श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि इस पर कुछ सालों में कानून आ जाएगा, तो इसके लिए क्या कोई प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्या किसी तरह की रिकमेंडेशन गई है कि इसको कानून के सख्त कानून के रूप में लागू किया जाए? जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे करीब 12 अलग अलग स्टेट्स ने रैगिंग के ऊपर सीधा कानून बना रखा है जी। पार्लियामेंट में भी एक प्राइवेट बिल आया किंतु वो पारित नहीं हो पाया है। संभावित है कि वो सारे विषय उसमें आए हुए हैं जिससे कि रैगिंग को नियंत्रित किया जा सके। उम्मीद तो हम करते हैं कि रैगिंग की गंभीरता को दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उतनी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में उस पर नियम बन जाएंगे और उसका पालन होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि अगर आज वो कानून नहीं है तो हम रैगिंग पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। आज की भी तारीख में जो UGC का विनियम है उसने हमारे पास विकल्प नहीं छोड़ा, हमारे पास सीधा उन्होंने एक उत्तरदायित्व तो दिया हुआ है कि रैगिंग के लिए केंद्रीय स्तर पर हमारे पास एंटी रैगिंग स्क्वाड, एंटी रैगिंग कमिटीज, हॉस्टल के लेवल पे और डिपार्टमेंट्स के लेवल पे रैगिंग कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे रैगिंग कमिटीज और इनके अतिरिक्त मॉनिटरिंग कमिटीज बनाए जाने का प्रावधान है और बनाए जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ये निश्चित है कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में जब छात्र को जब वो खास करके किसी की निगाह में नहीं होता है तो उसको आप सीनियर्स किसी तरह से लेकर के और प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, उसमें एक डर की भावना पैदा करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाते हैं। आज वो समय नहीं है कि घरों में
चार चार बच्चे, तीन तीन बच्चे हुआ करते हैं, आज तो एक एक दो दो बच्चों वाला परिवार है। कल्पना कीजिए कि किसी एक परिवार में एक ही बच्चा है और रैगिंग के दुष्परिणाम से अगर उसकी हत्या या उसको आत्महत्या का के लिए बाध्य होना पड़े तो उस परिवार पे क्या गुजरेगा। आज ही मैं अपने सीनियर बच्चों से चर्चा कर रहा था विश्वविद्यालय में, मैं जानना चाह रहा था उनसे कि आखिर रैगिंग से आपको प्राप्त होता क्या है। बिल्कुल, अगर रैगिंग को देखें तो ये आपका जो अमानवीय कृत्य है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरे को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उसको दहशत में रखना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि बगैर सीनियर की मदद से कोई काम नहीं हो सकता, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, एक कॉलर लाइन पे आ गए होशंगाबाद से, हम उनका सवाल लेते हैं। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैडम जी, मैं हेमराज चपुरिया गांव रांची से बात कर रहा हूं। जी स्वागत है, बताइए। सर मेरा प्रश्न है, जो रैगिंग होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जिनके साथ रैगिंग की जाती है, तो ऐसा कोई टोल फ्री नंबर हो या कोई हेल्पलाइन नंबर हो जहाँ पे छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले से ही एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, नंबर आप भी नोट कर लें, 1800180552। एक बार रिपीट करता हूं, 1800180552। और एक हेल्पलाइन और भी है, helpline@ntragging.in। ये दोनों UGC जो पूरी तरह से केंद्रीकृत होकर के रैगिंग की गंभीरता को समझते हुए उस पर कार्य कर रहा है, आप कभी भी 24/7 कभी भी उनको सूचित कर सकते हैं और रैगिंग के विषय में त्वरित कार्रवाई होगी। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अभी कल ही HRD मिनिस्टर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, जो स्पेसिफिकली रैगिंग के लिए बना हुआ ऐप है। अब आपको UGC के वेबसाइट पे जाके ढूंढना नहीं है, अब आप सीधा ऐप का इस्तेमाल करेंगे, रैगिंग ऐप UGC पे, और सीधा उनसे संवाद कर सकेंगे कि किस तरह से इस समस्या का वो तुरंत निदान करेंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी दी श्रीवास्तव जी आपने। दर्शकों, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई रैगिंग की समस्या होती है तो जो एक हेल्पलाइन नंबर है रैगिंग का 1800180552, आप इस पर चाहें तो आपके सामने कोई घटना हो तो आप इसकी मदद ले सकते हैं, आपकी जानकारी में कोई केस आता है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी भी और दूसरों को भी की भी मदद इसके माध्यम से कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बहुत सारे माध्यम बन गए हैं और बहुत सारी मशीनरियाँ काम कर रही हैं, पर जहाँ बात आती है इंस्टीट्यूशन की, जिस भी इंस्टीट्यूट में ये घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है और उसके सुरक्षा के लिए उसको क्या नॉर्म्स हैं कि वो अपने कैंपस में क्या क्या सुरक्षा रखे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। जी हाँ, जो जिस UGC सर्कुलर की मैं बात कर रहा था जी, उस UGC सर्कुलर ने हर विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के हर शिक्षक और वार्डन के ऊपर ये जिम्मा लगाया हुआ है जी, कि वो अपने कैंपस में रैगिंग ना होने दे। रैगिंग के संबंध में दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा संवाद का होना, संवेदनशीलता का होना, और दूसरी साइलेंस को तोड़ना। जो साइलेंस जिसके कारण रैगिंग है उसको तोड़ना। अगर आपके साथ छोटी भी घटना होती है तो आप कतई मत सोचें कि इसकी सूचना आप अपने टीचर, अपने गार्जियन या अपने वार्डन्स या प्रॉक्टर को नहीं देंगे, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे। आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए हर विश्वविद्यालय में रैगिंग का एंटी रैगिंग सेल्स बहुत ही त्वरित रूप से कार्यरत हैं, उनका इस्तेमाल करना आपका काम है, अपने साइलेंस को तोड़ना आपका काम है, और संवेदनशीलता हमारे, आपके और आपके गार्जियंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। जी श्रीवास्तव जी, अभी एक ब्रेक का वक्त है, इसलिए हम चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Finolex FloorGuard Plus. Pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. Withstands temperatures up to 93 degrees. Does not give in to fire. Provides the smoothest inner surface. Remains environmentally friendly. Fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Finolex FloorGuard Plus. Pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग की समस्या और उसके समाधान पर। एक बार फिर याद दिला दें, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डीन एवं प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल श्री एम के श्रीवास्तव जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। श्रीवास्तव जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट की कितनी जिम्मेदारी है, तो आप इस बारे में हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। एक सवाल ये आता है कि कई बार ये चीज़ भी होती होगी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है, कभी कोई ऐसी घटना होती है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उनका भी प्रयास रहता होगा कि भाई जो स्टूडेंट है वो अपनी समस्या बाहर ना ले जाए, मीडिया को ना बताए, और इस और बच्चे को भी एक टेंशन ये होता होगा कि अगर मैंने बता दिया तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ ना हो। इस बीच एक कॉलर लाइन पर है, हम उनका सवाल लेते हैं, ग्वालियर से हैं। ऋषि जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं या कई बच्चे इस समस्या का भी सामना करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ होता भी है तो वो इस डर से नहीं बता पाते कि उनकी फीस वहाँ जमा है। अब अगर वो कॉलेज में कुछ बोलते हैं या कॉलेज उनको रोकता है कि भाई उनकी बदनामी होगी, तो ऐसे में बच्चा क्या करे? पैसा भी लगा है, करियर भी दांव पे लगा है, अगर वो वहीं रहता है तो वो बच्चे उसको परेशान करेंगे। जी, आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है जी। बताना चाहूँगा कि इस विषय में भी हमारे अप्रोच में पहले से और अब में बहुत फर्क आ चुका है। ये एक दहशत जो आप रैगिंग करने वाले और रैगिंग जिनका हो रहा था उनके बीच की हम लोग भी बात कर रहे थे जी। थोड़ा सा अलग हटते हैं जी। इंस्टीट्यूशन का भी उत्तरदायित्व UGC के विनियम में दिया हुआ है। जो संस्था प्रमुख है या जो वार्डन है, सबकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रतिष्ठा तो निश्चित है, संस्था के दांव पे लगी होती है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि अगर इंस्टीट्यूशन अपने को बचाना चाहता है। परंतु जैसे जैसे समय बीता है और रैगिंग पर हमारा विचार होता गया है, उस विचार में बदलाव हमारे पास आता चला गया है। आज वो स्थिति नहीं है जैसा पहले हम सोचा करते थे कि FIR दर्ज कराने जाएंगे तो क्या परेशानियां होंगी। आपको बताएं कि इस संबंध में केरल राज्य का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और TI, उन दोनों की भी भूमिका उन्होंने सुनिश्चित की थी। खास करके जिस TI के रेंज में कोई इंस्टीट्यूशन आता है उस व्यक्ति का भी जिम्मा था कि वहाँ पर रैगिंग ना होने पाए, और अगर घटना हो जाए तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित FIR हो, त्वरित FIR वो व्यक्ति स्वयं पीड़ित व्यक्ति अथवा संस्था या ये जो कमिटीज बनी है जिनकी अभी हमने चर्चा की या मॉनिटरिंग कमेटी, इनके द्वारा तत्काल की जा सकती है। मॉनिटरिंग कमेटी न केवल अंदरूनी बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो कमिटीज की कल्पना की गई है उससे भी एक संवाद रखेगा। तो एक प्रयास तो हो रहा है, लेकिन इससे हम बहुत इनकार नहीं कर सकते कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खास करके अपनी संस्था का नाम इस तरह के चीज़ों में आने से अपने को बचाए नहीं। लेकिन स्वाभाविक है अगर गार्जियंस देखिए, ऐसा जो कमेटी जिसकी हमने कल्पना की, जो सेंट्रलाइज कमेटी जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, ऐसा उसमें प्रतिनिधित्व होता है NGOs का,
उसमें प्रतिनिधित्व होता है एजुकेशनिस्ट का, उसमें प्रतिनिधित्व होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर वो उनकी नॉलेज में आ गया तो फिर वो कैसे नहीं चर्चा में आएगा, कैसे नहीं उस पर FIR होगा अगर वहाँ पे पुलिस अधिकारी है, अगर वहाँ NGO है, तो सबके सब तो नहीं मना कर सकते हैं। अब इस ट्रेंड में पहले से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम परिस्थितियाँ सुधरें और आने वाले समय में समस्या से पूरी तरह लोगों को मुक्ति मिल जाए। इस बीच एक कॉलर लाइन पर हम उनका सवाल ले लेते हैं। चंदन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। बताइए चंदन जी। चंदन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ बताइएगा। हेलो मैम, नमस्कार। जानना चाहता हूँ ये जो एंटी रैंकिंग डिपार्टमेंट है। जी। ये जो एंटी रैंकिंग डिपार्टमेंट होता है, ये किस तरह अपनी कार्रवाई करता है और जो सूचना देता है इस बाबत, तो उसकी मतलब गोपनीयता किस तरह से बनाई रखी जा सकती है, मैम इस विषय में जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शास्त्री जी, आपने सुना होगा, अगर किसी विश्वविद्यालय की अगर आप कल्पना करेंगे तो वहाँ पे कुलपति के अध्यक्षता में पहली कमेटी होती है जो इसके लिए कार्य करती है। दूसरी कमेटी जो डीन के माध्यम से हर विभाग में तैयार की जाती है, जिसमें टीचर्स होते हैं, या जिसमें इंटरनल कमेटी होती है जो वाइस चांसलर के साथ होती है, उसमें तो NGOs, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब की कल्पना की गई और सब लोग होते हैं। और जो हॉस्टल वार्डन्स होते हैं उनकी ड्यूटी है कि 24/7 वो अब किसी भी छात्र के लिए उपलब्ध हो। इसके लिए कोई भी एक निश्चित फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, आप किसी भी माध्यम से अपनी सूचना उनको अग्रेसित कर सकते हैं। खास करके आज के ज़माने में व्हाट्सएप है, SMS है, टेलीफोन है, आप बगैर सामने आए हुए भी अपना पक्ष वहाँ रख सकते हैं और तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, जो UGC सर्कुलर है वो फर्स्ट ईयर में आने वाले बच्चों और फर्स्ट ईयर को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों दोनों के साथ हमारा अधिकतम संवाद करके और रैगिंग और रैगिंग से होने वाले दुष्परिणाम और रैगिंग में लिप्त लोगों को अपराध की संज्ञा में फिर उसको दंडित करने का प्रावधान, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। उसमें संवेदनशीलता उत्पन्न करने का प्रयास करने के लिए हम काउंसलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि किस हर परिवार से आया हुआ बच्चा अपनी विभिन्न तरह की परिस्थितियों से आता है। आप रैगिंग करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि आपका किया गया आचरण उस संवेदनशील व्यक्ति पर कितना मानसिक आघात पहुँचा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, और जिसका परिणाम स्वरूप उसकी आत्महत्या हो गई। आप कल को स्वयं भी उसको वापस नहीं ला सकते। आप कितना भी कहो कि हाँ साहब मैं तो केवल इंट्रोडक्शन कर रहा था और इसमें इसका परिणाम ये हो गया जिसकी हमें कल्पना नहीं थी, इसका कारण सिर्फ यही है कि आप पूरी परिस्थिति का आपको पता नहीं होता है और फिर जो आप करने जा रहे हो उसका परिणाम बगैर सोचे हुए आप कर रहे हो। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए और जो कमेटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जी शास्त्रा जी, दर्शकों हम आपको बता दें कि अभी वक्त है फिर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Withstands temperatures up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Finolex Flowguard Plus. Pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग की समस्या और उसके समाधान पर। आइए चर्चा जारी रखते हैं। शास्त्रा जी, आपने बताया कि इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है बच्चों को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम बात करें इसे रोकने के प्रयास की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आजकल हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है कि यदि कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे इसे रोकने के लिए तो वो अपने यहाँ CCTV कैमरे हॉस्टल में लगा सकता है, पूरे कैंपस में लगा सकता है, और इस तरह की घटनाओं को मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके भी कई चीज़ें देखी जा सकती हैं, कंप्लेंट की जा सकती है। इस संबंध में क्या कोई दिशा निर्देश इंस्टीट्यूट को दिए जा सकते हैं?
सुरक्षा के लिए के बच्चे की और कैंपस की सुरक्षा, जिससे पता चले कि बच्चा निकला है कहाँ गया है। जी अभी तक हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में, उससे थोड़ा सा अलग हटते हैं कि इन दोनों जगहों पे हमारी संस्था को अधिकाधिक पावर्स दिए गए हैं इस रैगिंग जैसे गलत कार्य को रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा आपने कहा, बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तो एक से एक ऐप लगे हुए हैं आपके, आप सभी मोबाइल रखते हैं, देखते हैं, और मोबाइल के माध्यम से आप अपनी लोकेशन अपने गार्जियंस और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी संभावना लगती है कि इस तरह की कोई बात है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने एसएमएस के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना तत्काल अपने अधिकारियों अपने कमिटीज़ को दे सकते हैं, जिससे आपकी तत्काल सहायता की जा सके। ना इसे बर्दाश्त करना है, ना इसे छुपाना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये यही चीज़ें हैं जो इस रैगिंग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने आज रैगिंग की समस्या पे यहाँ बहुत अच्छे अपने विचार रखे कि कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। दर्शकों, हमने देखा आज की चर्चा में कि बहुत विकट समस्या है और इससे इसके बहुत दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसे रोकना होगा और इसके लिए जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उन पे भी अमल करना होगा। लोगों को संवेदनशील होना होगा, बच्चों को शिक्षा देनी होगी, परिवार को सामने आना होगा। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।